In this lecture, or we can say that in upcoming lecture, we will talk about types of cement. तो अब हम इस लेक्चर में different type of cement के बारे में पढ़ेंगे. हमने OPC के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है. ordinary Portland cement के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है. तो हम जो different type, OPC के अलावा भी कई type की cements available हैं market में, जिनकी different characteristics होती है और जिनको बनाया जाता है OPC की chemical composition को change करके, ठीक है. या तो हम OPC में कुछ मिला के, जिनको हम एडिटिव्स कहते हैं उनको मिला के, या तो हम डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट अवेलेबल इन मार्केट अदर देन OPC डिपेंडिंग अपॉन देयर करेक्टरिस्टिक्स. तो उसमें जो सबसे पहली टाइप की सीमेंट है दैट इज़ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट. अब अगर आपको रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप IS 8041 डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम नेट. अब आपकी नेक्स्ट टाइप की सीमेंट है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट. देखिए रैपिड हार्डनिंग, हार्डनिंग यहाँ पे मतलब है स्ट्रेंथ से, यानी कि ये एक ऐसी टाइप की सीमेंट है जिसमें जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है. द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इन दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज़ वेरी रैपिड. क्लियर है. अगर हम उससे पहले कुछ बातें और करें तो हम अगर बात करें ओपीसी की बात करें हम, तो ओपीसी की प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड रह करती थी? उनके क्लिंकर्स पे, क्लिंकर्स कंपाउंड पे. क्लिंकर्स कंपाउंड कौन कौन से होते थे? C3S, C2S, C3A एंड C4AF, यानी कि एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट. तो इन कंपाउंड्स पे ओपीसी की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. और जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है वो ओपीसी से ही मैन्युफैक्चर की जाती है, ओपीसी से ही मैन्युफैक्चर की जाती है. तो कैसे की जाती है, आइए हम ये जानते हैं, ठीक है. तो अगर हम बात करें रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की, तो जो इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसमें जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है बहुत तेज़ी होती है, बहुत तेज़ से होती है, ठीक है. तो इट हैज़ हायर लाइम कंटेंट एंड इज ऑब्टेन्ड बाई इंक्रीजिंग C3S कंटेंट एंड हायर फाइननेस. यानी कि जो आपको ओपीसी मिल रही थी, अगर ओपीसी में आप C3S का कंटेंट बढ़ा दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 70% कर दीजिए, और जो ओपीसी के क्लिंकर्स मिल रहे थे, जो लम्स मिल रहे थे आफ्टर बर्निंग इन द क्लिन, जो लम्स मिल रहे थे उसको आप और ग्राइंड कर दीजिए और छोटे छोटे कर दीजिए और पार्टिकल साइज उनकी छोटी कर दीजिए, तो आपको ओपीसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट में. और जो फाइननेस होती है वो मेज़र की जाती है स्पेसिफिक सरफेस एरिया में. तो इन सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है 450 मीटर स्क्वायर पर kg. बात समझिएगा कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट में जो लाइम कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है. और ये कैसे बनती है? ये मिलती है हमको बाई इंक्रीजिंग द C3S कंटेंट इन द OPC अप्रॉक्सीमेटली 70% एंड बाई फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ OPC क्लिंकर्स. यानी कि जो OPC के क्लिंकर्स थे उनको हम और छोटे कर दें, ठीक है, उनकी पार्टिकल साइज़ को और छोटा कर दें तो हमको रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाएगी. और ऐसा उनकी पार्टिकल साइज़ कर दें कि उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 450 मीटर स्क्वायर पर kg आ जाए, ठीक है. देखिए ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करके हम ओपीसी को आरएससी में चेंज कर सकते हैं. लेकिन नाउडेज, ठीक है, आजकल हम C3S कंटेंट नहीं बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं, बस ओपीसी के क्लिंकर्स की हम फाइनल ग्राइंडिंग कर देते हैं, उनके पार्टिकल्स को छोटा कर देते हैं, तो ओपीसी आपकी रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट में बदल जाती है. देखिए फाइनल ग्राइंडिंग का मतलब है हाइड्रेशन जल्दी होना, हाइड्रेशन जल्दी होना तो आपका स्ट्रेंथ जल्दी अचीव होना, ठीक है. अब देखिए हाइड्रेशन जल्दी होगा तो हीट का इवोल्यूशन जो आप कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो भी तेज़ी से होगा, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा, फाइनल ग्राइंडिंग मीन्स हायर द रेट ऑफ हाइड्रेशन. क्लियर है. तो हम इंक्रीजिंग बाई इंक्रीजिंग C3S कंटेंट एंड बाई इंक्रीजिंग द फाइननेस वी कैन गेट RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट फ्रॉम OPC. अब इसका जो एप्लीकेशन का बेसिस होता है कि हम किसके बेसिस पे इसका हम यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं हम इसकी हार्डनिंग करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे और इसकी हीट एमिशन करेक्टरिस्टिक की बेसिस पे. देखिए सेटिंग क्राइटेरिया नहीं मैटर करता है, यानी कि कहने का मतलब है सेटिंग कि ये कितने देर में सेट कर रही है, ठीक है. सेटिंग क्राइटेरिया का कोई रोल नहीं है इस सीमेंट में, ठीक है. सेटिंग का मतलब होता है कि कब वो अपनी प्लास्टिसिटी खो रही है, ठीक है, कितने टाइम के बाद वो अपनी प्लास्टिसिटी खो रही है, तो इससे हमें मतलब नहीं रहता, ठीक है. तो
इन दोनों कंडीशंस की वजह से, या तो हम कह सकते हैं इस क्राइटेरिया की मदद से, हम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस सीमेंट, यानी कि जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बना रहे हैं, तो हम जिप्सम कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। तो जिप्सम कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, तो इन दोनों क्राइटेरिया की वजह से क्या हो सकता है, क्या हो जाता है कि दिस सीमेंट हैज हाइयर जिप्सम कंटेंट, हाइयर जिप्सम कंटेंट। जिप्सम के रेट को बढ़ा देंगे, जिप्सम के कंटेंट को हम बढ़ा देंगे, तो हम सेटिंग रेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसके एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन किस बेसिस पे करते हैं, हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के और हीट एमिशन, और सेटिंग क्राइटेरिया कोई मैटर नहीं करता है। तो उसकी वजह से हमको क्या एक अपर हैंड मिल जाता है कि हम जिप्सम के कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्यों करते हैं? अब सपोज जो हमने फॉर्मवर्क बनाया या जो शटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कंक्रीट को पोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको हमें रीयूज़ करना है जल्दी से जल्दी, तो इसका पर्पस ऑफ यूज़ क्या है? अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क फॉर यू रीयूज़, यानी कि हमें फॉर्मवर्क जल्दी हटाने में मदद कर सकता है ये सीमेंट, क्योंकि जल्दी फॉर्मवर्क स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप हो जाएगी, तो हम फॉर्मवर्क भी जल्दी हटा सकते हैं। फॉर्मवर्क बेसिकली क्या होता है, आपके स्ट्रक्चर को, जो आपका कंपोनेंट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर वो कंपोनेंट जल्दी अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले रहा है, तो हम फॉर्मवर्क जल्दी से जल्दी हटा सकते हैं। ठीक है, सफिशियंट स्ट्रेंथ फॉर फर्दर यूज इज रिक्वायर्ड। अब कहने का मतलब है, सपोज वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ कंपोनेंट इन लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब है कई लेयर्स में, तो हमें कोई कंपोनेंट बनाना है कई लेयर्स में बनाना है, तो ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये आपकी सेकेंड लेयर है। तो अगर ये आपकी फर्स्ट लेयर जो है, ठीक है, ये जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी, तो हम इस पर दूसरी लेयर जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यहाँ भी यूज़ करते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पे सफिशियंट स्ट्रेंथ फॉर फर्दर यूज इज रिक्वायर्ड। क्लियर, तो ये पर्पस ऑफ यूज़ हो गया। अब कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज नॉट यूज फॉर, नॉट सुटेबल फॉर मास स्ट्रक्चर। मास स्ट्रक्चर कहने का मतलब है डैम्स, डैम बनाने के लिए ये सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन सीमेंट में जो हीट इवोल्यूशन का रेट होता है वो बहुत तेज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम ये सीमेंट डैम्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे, तो डैम्स में क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे, विच आर कॉल्ड थर्मल क्रैक्स, यानी कि टेम्परेचर चेंज की वजह से क्रैकिंग डेवलप होने लगेगी। तो इसीलिए इस टाइप की सीमेंट को हम मास स्ट्रक्चर बनाने में नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, दिस सीमेंट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू फ्रॉस्ट डैमेज इन कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि हम इस सीमेंट को कोल्ड क्लाइमेट में सूटेबली यूज़ कर सकते हैं विदाउट बीइंग डैमेज ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब होता है अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। ठीक है, यानी कि ये फ्रॉस्ट डैमेज को भी झेल सकता है कोल्ड क्लाइमेट में। ठीक है, अगर हम कंक्रीट इस सीमेंट से बना रहे हैं, तो आइए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1 दिन की स्ट्रेंथ होती है, वो ओपीसी की 3 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। ठीक है, ओपीसी की 3 दिन की स्ट्रेंथ बराबर होती है। उससे पहले मैंने ये जो बोला कि हाई रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट, हाई रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट मैंने अभी पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की जो फाइननेस होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये जल्दी वाटर से रिएक्ट करता है, यानी कि हाइड्रेशन का जो रेट होता है वो जल्दी हो जाता है। हाइड्रेशन का रेट जल्दी हो जाता है, तो रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन भी क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मास स्ट्रक्चर में इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये थर्मल क्रैकिंग इंड्यूस कर देगा। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की 1 दिन की स्ट्रेंथ जो होती है, वो ओपीसी की 3 दिन की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। जनरली जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की 1 दिन की स्ट्रेंथ होती है, वो होती है 16 न्यूटन पर MM स्क्वायर। ठीक है, 16 न्यूटन पर MM स्क्वायर। अब इसकी जो कॉस्ट होती है वो 10% मोर देन ओपीसी होती है। 10% मोर क्यों होती है? फाइनर ग्राइंडिंग की वजह से। फाइनर ग्राइंडिंग इज द रीजन बिहाइंड द कॉस्ट। अब देखिए, सेटिंग टाइम में इसका सेटिंग रेट पे कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, जो इस ओपीसी की सेटिंग टाइम होती है इनिशियल 30 मिनट, ठीक है, वही इसकी भी होती है, और जो फाइनल होती है ओपीसी की 10 घंटे, वही इसकी भी होती है। अब और प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वर्कएबिलिटी इज मोर। अब यहाँ पे वर्कएबिलिटी एक टर्म आ गया। वर्कएबिलिटी का मतलब होता है कि कंक्रीट से हम कितनी आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, वर्कएबिलिटी का मतलब ये होता है। अब अगर जो कंक्रीट हम इस सीमेंट से बना रहे हैं, उसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? वाटर रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा फाइन है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सीमेंट ज़्यादा फाइन है, तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर वर्कएबिलिटी इज मोर। अब यूजेस की बात करते हैं। सपोज आपकी कोई रोड खराब हो गई है, अब नेक्स्ट डे आपका
वहाँ पे इंस्पेक्शन है कि कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है। अब रोड आपकी ख़राब हो गई है, वो रोड कंक्रीट की बनी हुई थी, अब कंक्रीट को तो अगर ओपीसी से बनाएंगे तो इससे ज़्यादा देर में अचीव होगी। तो हम क्या करते हैं, रिपेयर अगर हम रोड का और ब्रिजेस का कर रहे हैं तो हम उसको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से कर देते हैं, क्योंकि रिपेयर करने के लिए हमें ट्रैफिक तुरंत खोलना पड़ेगा। तो ट्रैफिक तभी खोलेंगे जब वो रोड जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ एक्वायर कर ले। तो स्ट्रेंथ कैसे एक्वायर करेगी, बाय यूजिंग रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो इट इज़ यूज फॉर रिपेयर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस वेयर स्ट्रेंथ इज द प्राइमरी फोकस, यानी कि स्ट्रेंथ जल्दी से जल्दी अचीव होना है। तो ठीक है, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे।